क्वेश्चन तो कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो ये जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये रिक्वेस्ट का वीडियो है। जैसे कि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, दिन में आ रहा है, और मैं हर रिक्वेस्ट को देखता हूँ, चाहे कोई कमेंट्स का रिप्लाई में ना दे, फ्रेंड जो देने की मैं ज़रूरत समझा तो उसी का रिप्लाई में इसी तरह वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को पास देता हूँ। और जो क्या है फ्रेंड, जैसे कि एक रिक्वेस्ट आया है हमें, जैसे कि आप तो सारे कमीज दिखा रहे हैं, तो प्रेग्नेंट के लिए कैसे कमीज बनाए हम, वो अब दिखाए और उसके बारे में कुछ समझा दे। और मैं ये रिक्वेस्ट आया है फ्रेंड, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, ये जो रिक्वेस्ट आया है ये जानकर, जैसे कि हमारा वीडियो कोई फॉलो कर रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको थैंक्स देता हूँ इसी नॉलेज के लिए। जैसे कि आप इसी तरह क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए ये जगह मिलेगा। तो जैसे कि मैं ये वीडियो जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से कहूँगा आप हमारा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो नेट पर डालूंगा वो आपको ऑटोमेटिकली आपको जो यूट्यूब चैनल है उसके चैनल में चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो इसी तरह रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उन लोगों को फिर से मैं दिल से थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए मैं एक बात में आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि क्या है कमीज, कमीज का जो पैटर्न होता है वो नॉर्मली जैसे कि हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं, तो आप लोग इसी तरह जैसे कि कुछ बात में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे कि कमीज का क्या है, कमीज का नॉर्मल जो पैटर्न होता है जो प्रेग्नेंट के लिए क्या है, जो हाफ अप शोल्डर और हाफ इंच जैसे कि होता है, कभी कभी जो क्लोज वाला फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको शोल्डर जैसे वैसा ही रखना है प्रेग्नेंट के लिए, और उसके बाद जैसे कि जो बास जैसे कि जैसा होता है वैसा ही रखना है, फिर आपको चेंज करना है फ्रेंड वेस्ट से और हिप से, आपको चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ये हमें जैसे कि आपको पैटर्न बनाकर कोई दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने से आपको खुद ही कर सकती है। तो जैसे कि शोल्डर जितना आपको लेना है वो लेना है, अगर आप जैसे कि हाई नेक अगर कोई भी ऐसा वैसा कोई ड्रेस करे तो हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, अगर आप क्लोज वाला करे तो जैसे कि हाफ ऑफ शोल्डर माइनस टू इंच और प्लस हाफ इंच। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बास्ट होता है हाफ ऑफ यानी कि वन फोर्थ ऑफ बास्ट प्लस इंच प्लस इंच। तो जैसे कि आपको अगर थोड़ा सा प्रेग्नेंट के लिए थोड़ा सा ये ड्रेस अगर हम लूजिंग करें तो बहुत अच्छा होता है। तो क्या है, आपको लूजिंग करना है तो वन फोर्थ ऑफ बास्ट प्लस हाफ इंच प्लस जितना लूजिंग देना चाहते हैं तो वो दे सकती है आपके हिसाब से, ठीक है। यानी कि आपको कंफर्टेबल आए वो ड्रेस आप बनाए, ठीक है। यानी कि वन फोर्थ ऑफ बास्ट प्लस हाफ इंच, अगर आप वन इंच दे तो ठीक ठाक रहेगा, अगर चाहे तो और ज्यादा दे तो ठीक ठाक है, आपके ऊपर निर्भर है ये तो। और उसके बाद जब हम ये बॉडीज का जब मेजरमेंट हम लेंगे, एक बॉडीज तो आपको चाहिए चाहिए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बॉडीज होता है हमारा जो वेस्ट से जो मेजरमेंट होता है, और उसके बाद फ्रेंड जैसे कि आपको जो हमारा वेस्ट होता है जैसे कि इधर से जब ऐसे बढ़ता है इस जगह को, तो क्या होता है हमारा इस जगह को मेजरमेंट यानी कि बात से कोई रिलेटेड नहीं है। अगर यह का मेजरमेंट बास से और भी बड़ा हो जाए, यानी कि हम अगर हमारा मेरे ख्याल से 42 है हमारा बास्ट है, तो 42 अगर है तो वन फोर्थ हम करें तो चलिए क्या होगा, 10.5 होगा, तो 10.5। और यह अगर आपका 40 इधर 2 है, इधर अगर 40 हो 50 हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो आप वन फोर्थ तक वो जो मेजरमेंट आप लेंगे उसका मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इधर से लेकर आपको जब इधर हमें आना है तो क्या है, हमें तो एक हिप का एक मेजरमेंट मिलता है, और इधर से लेकर हम जब हिप से मेजरमेंट देता है, तो चलिए फ्रेंड आप में ऐसे दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं कागज में आपको दिखा दूँ, कैमरा को मैं इधर ले आ रहा हूँ, आप इधर देखिए जरा आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से।
ये गुड क्वेश्चन है। ये देखिए जैसे कि यह आप देख रहे हैं ये इस जगह को, तो ये हमारा ओएस तक ठीक ठाक है। ओएस से बात फ्रेंड जब क्या होता है, हीप आता है, ठीक है। तो हीप के नीचे से ऐसे एक मेजरमेंट हमारा नॉर्मल कमीज में हम लोग बनाते हैं। ये देखिए नॉर्मल ब्लाउज है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसी जगह से मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ता है, आप इधर बढ़ाइए और इधर और भी बढ़ाइए, जितना आपका मेजरमेंट है वो तो हमें नहीं पता है, तो आपका जितना मेजरमेंट है उसी से आपको इधर लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे ये देखिए इधर से आपको ऐसे शेप देना है, ऐसे देकर ऐसे आता है, और इधर से आप ऐसे भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा भी ऐसे भी आप दे सकती है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मगर मेरे ख्याल से ऐसे करने से ये बहुत ही कंफर्टेबल आएगा, ये ड्रेस ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऐसे होने से क्या हुआ, आज जब हम स्टिच करेंगे, इसके स्टिच के बारे में कुछ बता दूँ, और आपको जैसे कि इस जगह में आपको इसी तरह आप ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे करके शेप देना है, यानी कि इसमें राउंड वाला एक शेप चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर से जैसे कि आप तो जानते हैं जो ऊपर में से हम कामिज जब करते हैं, जैसे इसी तरह जब ये पार्ट आता है, तो इस जगह में हम ऐसे नहीं करते, इस जगह को हम ऐसे सिलाई करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से करना है। आप अगर ऐसे करें तो फ्रेंड फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा, बास्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसमें आपको अगर आप चाहे तो फ्रेंड एक बात मैं बता दूँ, जो प्रेग्नेंट के लिए कमीज बनाना चाहती है तो उन लोगों के लिए टेकन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे नहीं दिखेगा। टेकन का मतलब है फ्रेंड ये ऊपर का नीचे का हिस्से का जो डिवाइड करके इसमें फिटिंग्स में लाएगा, तो हमें तो फिटिंग्स दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये डार्ट ना दे तो ठीक ठाक है। और बैक में अगर चाहे आप डार्ट दे सकती है, बैक में थोड़ा सा बैक में आप डार्ट दे सकती है, जैसे कि आप जानते हैं फ्रंट से भी थोड़ा सा बड़ा होता है बैक डार्ट। अगर आपको पता ना हो तो हमारा कमीज का वीडियो देखें तो उसमें सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं चेंज करना है, जिस तरीके से मैं दिखाया बाकी सब कमीज वो सारा एक ही होगा, ठीक है, सारे डिटेल्स एक ही होगा। तो चलिए और कुछ भी नहीं बोलूँगा इस वीडियो में। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं घर में बैठकर, तो फ्रेंड मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जैसे कि जो लोग इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हैं और उन लोगों के लिए वक्त है, उन लोगों के लिए फ़ायदा, और जो लोग घर में बैठकर सीख रहे हैं उन लोगों के लिए फ़ायदे के लिए मैं एक जो पेन ड्राइव लॉन्च किया हो, यानी कि अपना वीडियो के साथ, यानी कि पेन ड्राइव के अंदर हमारा वीडियो होगा और वो हम सेल कर रहे हैं अभी से। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो वो वीडियो आप मंगा कर, यानी कि परचेस करके आप ले सकती है, आप घर में बैठकर आप ले सकती है और बहुत कुछ आप सीख सकती है, जिस जगह में नेट अभी तक नहीं पहुंचा है। मोबाइल में सिर्फ आप लोग देख रही है, आपका लैंड कनेक्शन नहीं है, तो फ्रेंड ये मैंने बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट रखा है इसका, आप इसे यूज़ करके देखिए, ये बहुत पावरफुल होगा। और जैसे कि आप एक फैशन इंस्टीट्यूट से जितना नहीं सीख पाएंगे, ये हमारा वीडियो देखकर आप सीख पाएंगे, इसमें बहुत कैटेगरी रखा है मैंने। तो मैंने आशा करता हूँ जैसे कि जितना हमारा फ्रेंड है आप लोगों को ये एक सीखने का एक बहुत टेक्निक, आसान टेक्निक आपको मिल जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, हम पार्ट वाइज रखने से आपको आपका हाथ में ये फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स मैंने रख दिया है, ठीक है। जो सीखना चाहते हैं तो इसी से आप इतना अच्छा आप सीख पाएंगे, आपका मन चाहे तो आप इसे सीखे, आपका मन चाहे एक मास बाद हम सीखे, मगर इंस्टीट्यूट में आप जब जाए, अगर एक वन मंथ आपको वक्त मिला सीखे, तो उसके बाद एक माह वन मंथ वक्त नहीं मिला तो उसका पैसा आपको उधर देना पड़ेगा। मगर ये लेने से आपको क्या होगा फ्रेंड, आपको कुछ भी पैसा देने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इतना अच्छे तरीके से आप घर में बैठकर आपका मन में जब चाहिए आप सीख पाएंगे ये सब कोर्स, ठीक है। तो चलिए, और अभी तक जो वीडियो हमारा नेट पर था उसी से ऊपर ये पेन ड्राइव मैंने तैयार करके रखा है आप लोगों को देने के लिए, आप लोगों को देने के लिए। और आगे जाकर और जब वीडियो नया आएंगे तब हम वो कोर्स
डिटेल्स हम लेकर हम आप लोगों को फिर से कोई वीडियो बनाकर आप लोगों के पास ले आएंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए फ्रेंड इतना सही था और कुछ भी नहीं बोलूंगा फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।